हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल डिवाइन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर टू पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए, पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो जो पॉलिनोमियल होता है, ये होता है इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ये होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं और अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे कि 6x माइनस का 2y प्लस का 3, यही एक हमारा पॉलिनोमियल है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, लेकिन ये टर्म्स क्या चीज है? तो आइए मैं समझाता हूँ ये टर्म्स क्या है। देखिए, जो टर्म्स का जो यहाँ पर मतलब है, टर्म्स में बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। टर्म्स हमारा होता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है, बताता हूं मैं आपको। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, जो हमारा टर्म्स होता है वो देखिए क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है और जो हमारा वेरिएबल होता है वो दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। फिर से समझाता हूं, जो हमारा नंबर होता है और जो हमारा वेरिएबल होता है वो दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके और अच्छे समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे कि हमारा 4x हो गया। तो जो हमारा ये 4 है, ये जो हमारा 4 है, ये एक नंबर है। जो ये हमारा 4 है, ये एक नंबर है। और जो ये हमारा x है, ये एक वेरिएबल है। तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी नंबर और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो वही होता है हमारा टर्म्स। अब देखिए, मैं बताता हूं, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि 4x स्क्वायर। तो आप यहां भी देख सकते हैं, जो हमारा ये 4 है, ये एक नंबर है, इसको हम कोफिशियंट भी बोल सकते हैं। और जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा एक वेरिएबल है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसी का मतलब है कि यही होता है टर्म्स। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 6x, ये 6 मेरा नंबर है और x मेरा वेरिएबल है, और दोनों मल्टीप्लाई में। और ये भी जान लीजिए आप कि वहां पर माइनस 2y प्लस का 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर एक चेन बना दी गई है टर्म्स की। देखिए, यहां पर 6x, उसके बाद फिर माइनस का 2y प्लस का 3। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने तो कहा था कि जो टर्म्स होती है वो नंबर्स और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, वही हमारा टर्म्स होता है। बट यहां पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। देखिए, एक सिंगल नंबर भी एक वेरिएबल होता है, आपको पता होना चाहिए। जो एक सिंगल नंबर भी नंबर होता है वो एक वो भी एक टर्म्स होता है। तो आई हो आपको समझ में आया होगा ये टर्म्स क्या होता है और ये पॉलिनोमियल का होता है। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कुछ जो है क्लासिफिकेशन किए गए हैं पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो इसको मैं राइट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर राइट कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब देखिए कैसे किया गया है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये हमारा हो गया 4x, तो जो हमारा ये 4x है, ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब है यहां पर केवल एक जो है टर्म का यूज किया गया है, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है क्या, 1। तो ये एक मोनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट एक नाम दे दिया गया है, एक एग्जैक्ट नाम दे दिया गया है कि ये एक मोनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है। इसके बाद देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, 6x प्लस 4।
तो यहां पर जो टर्म्स हैं वो दो हैं, यहां पर एक 6x टर्म है और ये प्लस का 4, ये भी एक टर्म है, तो यहां पर दो टर्म्स का यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनो, बाइनो का मतलब आपको पता है क्या होता है, बाइनो का मतलब होता है टू, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक मोनोमियल है क्योंकि यहां पर एक टर्म्स का यूज हुआ है, और ये एक बाइनोमियल है बिकॉज यहां पर दो टर्म्स का यूज हुआ है। अब देखिए जहां पर तीन टर्म्स का यूज हुआ होगा, जैसे कि 3x प्लस का 4x प्लस का 3, तो ये क्या है, यहां पर तो तीन टर्म्स हैं, 3x प्लस 4x प्लस 3, तो यहां पर तीन टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनो का मतलब 3, ट्राइनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए जहां पर तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी तो वहां क्या होगा, मोर देन 3, जैसे कि मोर देन 3 टर्म्स होंगी, तो मोर देन 3 तो वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बट इनको थोड़ा क्लासिफाई कर दिया गया है कि एक एग्जैक्ट नाम दे दिया गया है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो अगर तीन से ज्यादा अगर टर्म्स होंगी तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब देखिए अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आइए बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, क्या होता है ये, तो इसको मैंने यहां पर राइट कर लिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं दो एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, तो मैंने क्या बताया था डिग्री, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ये पॉलिनोमियल है तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, तो आप क्या बताएंगे, आपको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है, तो आप देख सकते हैं एक्स की जो हाईएस्ट जो यहां पर ये वेरिएबल है एक्स, इसकी जो पावर है कितनी है, वो 2 है, और जो ये 2x है जो इसके पास जो वेरिएबल है इसमें जो x की पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर तो इसकी है वो 2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, तो हम बता देंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ जो डिग्री है वो क्या है, वो 2 है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 6x, दूसरा एग्जांपल है 6x स्क्वायर प्लस का 15 x की पावर 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 2। अब आपसे यहां पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप देखेंगे किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है, तो आप देखेंगे कि जो x है इसकी सबसे ज्यादा पावर वो है 4, तो यहां पर 4 हो जाएगा। लेकिन जो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पॉलिनोमियल है ये मतलब सही से लिखी नहीं हुई है। पॉलिनोमियल का जो लिखा जाता है वो किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं इस तरीके से कि जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 15x की पावर 4 है, सबसे पहले इसको राइट करेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन होती है पॉलिनोमियल को लिखने के लिए, तो ये कंडीशन है कि सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जो सबसे बड़ी हो, तो कौन सी टर्म सबसे बड़ी है, 15x की पावर 4, तो सबसे पहले इसको राइट करेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटा क्या है हमारा 3 प्लस का 3x क्यूब, साइन आप उतार लेंगे, जो जिस टर्म के सामने जो साइन होगा आप उसको उतार लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस उतारता, बट यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस उतारा। इसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा है 6x स्क्वायर एंड द लास्ट उसके बाद हमारा प्लस का 2। तो ये कंडीशन होती है, सबसे पहले आप जो टर्म सबसे बड़ी हो, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, सबसे पहले आप उसको राइट करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरह लिखते हैं, तो ये कंडीशन होती है। तो
अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर मैंने राइट कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अगर मेरा इसमें एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है 3x प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, वन, जो इसकी डिग्री है वो वन है, सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी एक्स की वो वन है, तो ये हो जाएगा लीनियर। अब दूसरे की बात करें, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, जो ये पॉलिनोमियल है आप देख सकते हैं जो इसमें हाईएस्ट डिग्री है वो एक्स की है, वो है 2। अगर 2 होगा तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एंड जो थर्ड हमारा है, जैसे कि 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किस में आएगा, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो पावर है वो x की है, वो 3 है, तो 3 का मतलब यहां पर जब 3 होगा, जब डिग्री 3 होगी तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक ये सारे पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल सारे पॉलिनोमियल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज और देख लीजिए, देखिए जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पावर होगी वेरिएबल की इन पॉलिनोमियल, वो हरदम होल नंबर में होगी। देखिए समझिए, जैसे यहां पर एक्स की जो पावर है वो वन है, और इस पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर है वो टू है, और इस पॉलिनोमियल में जो एक्स की डिग्री है या पावर है वो थ्री है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर में। होल नंबर का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर जैसे पॉइंट में अगर दिख जाए 2.2 या फ्रैक्शन में आ जाए 3/2, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि जो पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, वो ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो, आपको जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।